रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था. वेट, सो वंस अगेन. सो क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन, ये हमें फाइंड करना है. वी ऑल नो दैट कि जब भी कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो उसमें आपको कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो आप एक्स की जगह पे 1 रख सकते हैं. तो जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगा दैट विल बी योर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स. ओके, अब वही सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है फॉर 1 माइनस एक्स साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन. So for that, if here I have to find sum of coefficients, in given expansion, will be 1 minus sine theta plus 1 square, that is 1 whole to the power n. That is 1 plus 1, 2 minus sine theta whole to the power n. चलो अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? माइनस साइन थीटा पे. अब आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम कब होगा, राइट? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस द गिवन एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स साइन थीटा प्लस एक्स होल टू द पावर एन. चलो अब ये मैक्सिमम कब होगा बोलो. हियर इट इज 2 माइनस साइन थीटा, सो इट विल बी मैक्सिमम एट, बोलो कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा? साइन थीटा माइनस में है, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन में वैरी करती है. यस, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, राइट? क्योंकि जब वो मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, टू माइनस साइन थीटा है, दैट साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन. सो वो जब आप इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट 2 माइनस माइनस 1 होल टू द पावर एन, 2 प्लस 1 3 टू द पावर एन. इज इट क्लियर? ओके, चलो इसके बाद वाला देखते हैं. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 26. वो वाला देखना स्टूडेंट्स, राइट? इसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश करना, कुछ पता चले तो बोलना, राइट? मैं भी ढूंढूंगा, देखते हैं. सो यू गेट द 26 27 हेलो सॉरी नॉट 27 अब जो भी हो नेक्स्ट. ओके, सो इसके बाद वाला आपका क्वेश्चन है. यस इट इज, इफ ए बार बी बार सी बार वाला है समथिंग, क्वेश्चन नंबर पता नहीं. ओके राइट, सो इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर एनी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर एनी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, देन द कंपोनेंट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, इसका आपको कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार which is perpendicular to B bar is, right? जो आपके vector B को perpendicular हो वैसा आपको component लेना है. चलो, so component of A bar cross B bar cross C bar which is perpendicular to B bar. तो पहले वो सब चीजें भूल जाओ, पहले मुझे अगर ये बताओ, मैं आपको ऐसा बोलूँ कि मुझे A bar का component लेना है, okay? अगर मैं आपको बोलूं ए बार का कंपोनेंट लेना है बी बार पे, तो वो क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार समथिंग बी बार, आप पढ़े हो, पहले वो समझ लेते हैं फिर इसको जनरलाइज करते हैं. अगर मान लो ये आपका वेक्टर है, वेक्टर ए और ए बार जो भी आप नाम दो, दिस इज योर वेक्टर बी, ओके, या वो ऐसा इतना भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, सपोज ये वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे आपको कंपोनेंट लेना है, तो आप कैसे लेते थे? एक टर्म थी जिसे आप डिफाइन करते थे, यस, व्हिच वाज दैट टर्म, क्या नाम था इसका? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ओवर बी बार, नहीं, डॉट प्रोडक्ट, नहीं, डॉट प्रोडक्ट इज डिफरेंट, डॉट प्रोडक्ट से इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा, राइट? सो ए बार डॉट बी बार वो जियोमेट्रिकली वो नहीं होगा. सो व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ओवर बी बार? डॉट प्रोडक्ट ए कॉस थीटा. हाँ, तो
हाँ तो हाँ ए कॉस थीटा आप लिख सकते हो, वो मोड ए कॉस थीटा होगा, तो इसीलिए वो यहाँ पे ऐसे डिफाइन है, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मोड बी बार, इजेंट इट? क्योंकि आप ये करोगे तो मोड ए बार कॉस थीटा डिवाइड बाय मोड बी बार, तो मोड ए बार कॉस थीटा ही होगा, जो फिजिक्स में आप बहुत बार कर चुके हो। ओके चलो, तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, बट नाउ आई रिक्वायर प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी मीन्स आई रिक्वायर दिस। चलो अब ये क्या होगा, अब ये मत बोलना ए साइन थीटा, ओके आई एग्री ए साइन थीटा, बट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा यूज ना करना हो तो यू नो ट्रायंगुलर लॉ, राइट? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सो दिस विल बी योर वेक्टर ए प्लस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ये वेक्टर आपका कौन सा है, वेक्टर ए, सो वेक्टर ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए बार बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ओवर बी बार, और माइनस ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मोड बी बार, ओके, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मोड वेक्टर बी, इज इट क्लियर? अब इसमें हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे, ओके सभी वैल्यू रखें, पहले है हम आपके पास फॉर्मूला, ओके आई होप ये फॉर्मूला सबको क्लियर होगी, तब हम वैल्यू रखते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार विल बी ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मोड बी बार। अब आपको ए बार की जगह लेना है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार का कंपोनेंट, ओके ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार का कंपोनेंट लेना है इंस्टीड ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, ओके आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू, वेट। हाँ चलो अब वो कैसे करेंगे, सो ए बार की जगह ये वैल्यू रख देंगे, सो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार की जगह पे रख देंगे ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मोड बी बार, इजेंट इट? ये पहले क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बोलो, सबसे पहले आपके पास है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, क्या इसके बारे में कोई रूल है आपके पास, अगर तीन ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ हो तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार? ओके कुछ पढ़ो, ए बार डॉट सी बार माइनस ए बार डॉट सी बार बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार सी बार, ऐसा कुछ, ओके सी है, हाँ यस यस यस, ओके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अच्छा इसी इस अब इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, ये तो नहीं बोल रहे ना, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, राइट? दिस इज योर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या था, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, ये ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार ही था ना, ओके ये वाली चीज, ओके ना अब ये आपका क्या होगा, इट इज ए बार डॉट सी बार, समझना यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले फिर यूज कर लेंगे, तो ब्लैक से लिखता हूँ, सो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये आपका हो जाएगा ए बार डॉट सी बार बी बार, यहाँ पे कुछ नहीं है,
यहाँ पे ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट नंबर हो जाएगा जो इसके आगे है बस। सो ए बार डॉट सी बार बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार सी बार। सो ए बार डॉट सी बार बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार सी बार। इतना क्लियर पहले? ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे या यहीं पे इसका फाइंड करते हैं। डॉट बी बार लेना है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, ये यही होगा ना। ओके और इसका नाम है क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके चलो, सो नाउ सी ओवर हियर। अब यहां से मैं डॉट बी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, डॉट बी बार। तो अब ये डॉट बी बार तो दोनों को मिल जाएगा, सो इट विल बी वेक्टर ए बार डॉट वेक्टर सी बी बार डॉट बी बार मोड बी बार स्क्वायर माइनस ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी बार डॉट बी बार। तो ये भी एक आपका कॉन्स्टेंट नंबर ही हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार भी आपका एक नंबर है, सी बार डॉट बी बार भी आपका एक कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट में आपको आंसर क्या मिलता है, कॉन्स्टेंट नंबर। ओके okay. सो गिव मी 1 मिनट, लेट मी क्रॉस दिस। आपको जो ये आंसर्स दिए गए ऑप्शन वो मुझे थोड़े ब्लर दिख रहे हैं। ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार ऐसे कुछ फॉर्म में दिया गया है, इजंट इट? ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए क्रॉस सी ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, ठीक है? चलो अंदर उसको क्रॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है वापस समथिंग। हाँ सो और सभी जगह आपकी एक चीज कॉमन है, दैट इज डिनोमिनेटर मोड बी बार स्क्वायर और बाहर बी बार। चलो देखते हैं। सो ये जो आपका बाहर बी बार है वो सभी जगह कॉमन है और डिनोमिनेटर में मोड बी बार स्क्वायर है। ये आपको दो क्रॉस दिए हैं, बीच में डॉट दिया है, वेट यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? तो यहाँ पे आपका ये मोड बी बार यहाँ पे कैंसिल होगा ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट सो अगर मैं रिवर्स प्रोसीजर फॉलो करूँ, राइट, समझो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बाहर तो ऑलरेडी मुझे ये वेक्टर भी लाना ही है, राइट, अंदर सिंप्लीफिकेशन करके उसे दो, मतलब दो अलग अलग मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करने और बीच में डॉट होना चाहिए। ओके सो डिवाइड बाय वेक्टर बी, इतना तो है ही। अब अगर मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑल ऑप्शंस अगर मुझे वेक्टर बी स्क्वायर लाना है, तो मुझे यहाँ पे वेक्टर बी स्क्वायर से ये वाली तो एज इट इज है, इधर वेक्टर बी स्क्वायर लाना है तो वेक्टर मोड वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम क्या ही ला सकते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो मोड वेक्टर बी बार, या हमें ऑप्शंस को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सो इफ वी सी अवर ऑप्शंस, सो ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, सो ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसको कैसे कर सकते हैं?
It is difficult over here, wait. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार डॉट बी बार की तो यही फॉर्मूला है ना, ए बार डॉट बी बार बाय मोड बी बार, राइट। दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे हमारी गलती हुई। ओके, हमारी गलती यहाँ पे है, दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ए बार डॉट बी बार बाई मोड बी बार, समझना, ये मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड बी कैंसिल, तो मोड ए कॉस थीटा आएगा। सो इट इज योर स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले आपको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो ये जिस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स वेक्टर बी बाई मोड वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्रोजेक्शन वाली फॉर्मूला रखने में हमने एक गलती की, राइट। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ओवर बी बार, इट विल बी ए बार डॉट बी बार बाई मोड बी बार स्क्वायर इंटू वैक्टर बी, ये आएगी एग्जैक्ट फार्मूला। ओके, क्योंकि यहाँ पे मोड बी बार स्क्वायर आएगा और यहाँ पे वैक्टर बी आएगा। सो सेम चीज यहाँ पे, ये मोड वेक्टर बी बार स्क्वायर और वेक्टर बी आएगा। सो यस, सो वी आर गेटिंग दिस। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आंसर इट इज दिस, ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। बट द थिंग इज हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस टू दिस और दिस टू दिस, मतलब ऐसे कोई भी फॉर्म में, ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। क्योंकि जो खेलना है यही खेलना है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पे आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर के प्रोडक्ट हो और उसका डॉट प्रोडक्ट हो, इस फॉर्म में लिखना है। ओके, वो हम कैसे कर सकते हैं, एंगल एंगल से लेट मी सी सॉल्यूशन, उसमें अगर कुछ दिया हो। एक चीज है, अगर आप ऑब्जर्व करें, राइट, इन ऑल द क्वेश्चंस, मतलब ऑल द ऑप्शंस एंड इन आवर ऑप्शन, तो ऑल द ऑप्शंस में वो प्लस दिया गया है बीच में, राइट, एंड हियर इट इज माइनस। सो डेफिनेटली कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा पहले। सो ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल के प्लस वाले टर्म आ रही है कि नहीं। ओके, सो चलो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप वंस अगेन। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। ओके, तो ये यहाँ पे है, अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार को कॉमन निकाल रहा हूँ, बट क्या ऐसा हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट है तो ऐसा कॉमन तो नहीं निकाल सकते। डिफिकल्ट है, वेट, ए बार
यहाँ पे मैं पूरी वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ज्यादा कुछ तो सिंपलीफाई नहीं होगा। ये एक नंबर है आपका, यहाँ पे एक नंबर है बट वो वेक्टर के साथ है, और आई कैन से सेम नंबर है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लिख सकते हैं। ए बार डॉट सी बार मोड बी बार स्क्वायर, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इधर है आपका मोड बी बार स्क्वायर माइनस मोड बी बार स्क्वायर, बट इसके साथ यहाँ पे आपका वेक्टर है। ओके, तो माइनस वन यहाँ पे आपका वेक्टर है, यहाँ पे आपका वेक्टर नहीं है। सो इट विल बी योर वेक्टर बी माइनस वन, बट वेक्टर बी माइनस वन हम नहीं लिख सकते, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है, आई विल सी अबाउट दिस, एक बार इसमें देखूंगा कुछ हो सकता है कि नहीं, फिलहाल पता नहीं चल रहा, वी आर स्टक इन दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल के लिए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 परसन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लॉयर्स, 3 डॉक्टर्स, 2 इंजीनियर्स, 4 परसन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी। ओके, तो ये हम फाइंड करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करते हैं, फिर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम के बारे में देखते हैं। सो हियर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 परसन्स, टोटल देर आर 10 परसन्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 लॉयर्स, 3 डॉक्टर्स, 2 इंजीनियर्स। फोर परसन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ओके, द प्रॉब्लम दैट सिलेक्शन कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी। चल, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट।